दोस्तों आप में से काफी लोगों को पता होगा मनोज दा के YouTube चैनल पे अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है और उसी 3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले YouTube चैनल की अर्निंग से मनोज दा की लाइफ में कितने ज्यादा चेंजेस आ गए आप काफी लोग जानते हैं। लेकिन गाइस संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे तो 24 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है और दोस्तों मिलियंस में व्यूज जाते हैं उनके हर एक वीडियो पर। संदीप महेश्वरी सर जानते हैं कि उनकी यूट्यूब चैनल से हर महीने के 1 से 1.5 करोड़ रुपए वो सिर्फ एडसन से कमा सकते हैं। लेकिन गाइस संदीप महेश्वरी सर ने फिर भी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करके रखा हुआ। अब उन्होंने क्यों नहीं करके रखा, खुद ही से सुन लीजिए उन्हीं से। तो मेरी मंथली जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। जो मेरी ड्यूरेशन है वीडियोस की वो है 20 से 25 मिनट। माय गॉड, तो उसमें मल्टीपल ऐड चल सकती है। बिल्कुल। तो देख करके मेरे अंदर लालच आया। उसको आप सीधी सी कैलकुलेशन करोगे तो महीने का बनता है 1.5 करोड़ रुपए। इतना मैं अपने धंधे से भी नहीं कमा रहा। मुझे क्या करना है, मुझे मोनेटाइजेशन मैंने पीछे से ऑफ कर रखी है उसको जाकर के ऑन करना है, पैसा आना शुरू बैंक में। अभी आप सर इंटेंशन की बात कर रहे थे काफी टाइम से, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपका सर एग्जैक्टली लाइक एक्चुअली में आपका इंटेंशन क्या है सर इस सब के पीछे। मेरी नीयत क्या है कि मेरे पास में 2 ऑप्शंस है आज। एक ये कि मैं एक इंसान के फायदे के बारे में सोचूं। वो एक इंसान कौन है? मैं हूं। तो मेरा फायदा किसमें है? उस बटन को ऑन करने में जो 1 घंटे का काम है, 500 वीडियोस पे ऑन हो जाएगा, खट 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 और नोटों की बारिश शुरू। इसमें किसका फायदा हुआ? एक का। अगर मैं ऐड ऑन नहीं करता हूं तो उसमें कितनों का फायदा हुआ? 7 करोड़ व्यूज हो रहे हैं हर वीडियो पे। अगर मल्टीपल टाइम्स ऐड चलती और 1 मिनट भी वेस्ट होता एक वीडियो में, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरी ड्यूरेशन क्या है एक वीडियो की 20 से 25 मिनट, तो मान लेते हैं उसमें 1 मिनट ऐड में चला जाता है, तो क्या 7 करोड़ मिनट का टाइम खराब नहीं हो गया और लोगों का? टाइम इज इक्वल टू मनी। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगर समझ पा रहे हो तो। तो इसको बोलते हैं नियत, कि आपको यह देखना है कि एक का फायदा है या सबका फायदा है।